हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान आज आपके लिए लेकर के आया हूँ स्पेशल टॉपिक मानहानि के बारे में। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन मानहानि के स्टेप क्या होते हैं, किस तरीके से उसमें प्रोविजन होता है, किस तरीके से सजाएं होती हैं, कितनी सजाएं होती हैं और इसका दोष सिद्ध किस तरीके से किया जाता है, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है इसका, ये सारी बातें इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जान लें कि मानहानि का जो केस होता है उसका जो ट्रायल है यानी सुनवाई है वो फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट करता है। मानहानि की जो सुनवाई है वो फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट करता है। अब इसके जो सेक्शन है 501 502, अब 501 सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी कोई बात प्रकाशित करता है जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मान सम्मान को हानि पहुंचती है तो वह 501 IPC का दोषी है। यानी कि अगर उसने कोई ऐसी बात प्रकाशित कर दी या लोगों में भ्रांति फैला दी जिसका सबूत है कि इसने ये बंदे ने ये मानहानि हमारे ऊपर की है, गलत प्रकाशित की है रिपोर्टें, तो फिर वो 501 IPC का दोषी माना जाता है। इसमें 2 साल की सजा और आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। आर्थिक दंड किस तरह, जितने की मानहानि उसकी हुई है वो मानहानि का क्लेम भी दिया जाता है और 2 साल की सजा भी है। अब दूसरा सेक्शन आता है 502, ऐसे अपमानजनक बातों को पब्लिश करना, यानी कि जो लोग पब्लिश कर रहे हैं ये उनके ऊपर है, ऐसे अपमानजनक बातों को पब्लिश करना या अपमान अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसी सामग्री को बेचता है अगर वो, तो 502 का दोषी है। इसमें भी 2 साल की सजा और जुर्माना और दोनों लगेगा। मतलब कि अगर उसने कोई भी बात को पब्लिश किया जो मानहानि में आती है या उसने उस चीज को बेचा, जैसे कि आप इसको उदाहरण से समझ लें कि एक पर्चा किसी के बारे में उल्टा सीधा छाप दिया गया और वो उस पर्चे को बेच रहा है, तो उसके ऊपर भी 502 का मुकदमा लगेगा। इसमें भी 2 साल की सजा है और दंड से भी जो मानहानि का जो दंड होगा वो उससे भी दंडित किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है या कोई कमेंट है आपके, या और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे चैट करिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे, धन्यवाद।